हाय दोस्तों, ये मैंने अभी स्टीम फैब का इलेक्ट्रिक बॉलर आपका स्टार्ट किया हुआ है। आपके मैंने इसको पूरी वीडियो के इसके बारे में पूरा जानकारी देता हूँ, कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, सारा फंक्शन इसमें समझा देता हूँ। अभी मैंने इसका पूरा प्रेशर इसमें स्टीम का बना दिया है। यहाँ पे मैंने प्रेशर इसमें अभी कम करके रखा है, बाकी इसको आपके अकॉर्डिंग जो प्रेशर चाहिए वो आप हमसे। ये अनबॉक्सिंग करने के लिए मैंने इसको तरीका बताया। देखिए, इसमें अभी अनबॉक्सिंग करने के लिए आपका जैसे साइड का कवर खोलते हैं तो इसमें एक फिटिंग निकलती है, वो आप इसको असेंबलिंग के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका इसमें सेफ्टी वॉल है, स्टीम वॉल है और ब्लो डाउन का, तीनों वॉल इसमें लगे हुए हैं, एयर वॉल भी है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर इसमें सेंसर टेक्नोलॉजी है और इसमें ये स्पेशल अलग से एक टैंक छोटा सा लगा रखा है, ये वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सेंसर दिए हुए हैं, जैसे कि हीटर को कंट्रोल करने के लिए। और ये आपका ये स्मॉल वाला ये पंप के लिए होता है, B4 मतलब बड़ा है, इसमें बिग सेंसर ये होता है और स्मॉल में ये पंप को कंट्रोल करता है और ये हीटर को। और यहाँ से आप प्रेशर सेट कर सकते हो एक स्क्रू से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ये पेचकस आप देख रहे हो, यहाँ से लगा के क्लॉकवाइज अगर चढ़ते हो आप कराते हो तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा, और इसमें एंटी क्लॉक इसको करते हो तो इसमें प्रेशर आपका कम हो जाएगा। यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसमें दो लगे हुए हैं, एक आपका ये बजर को कंट्रोल करेगा जो आपके सामने दिखा देता हूँ, हूटर को, और दूसरा आपका मशीन को कंट्रोल करेगा प्रेशर के लिए। और तो ऐसा कि दोस्तों, इसमें एक टेम्परेचर सेंसर भी दिया हुआ है, ये भी आपका टेम्परेचर सेंसर RTD जो P300 लीड है वो है। इसका हीटर वगैरह कंट्रोलिंग के लिए टेम्परेचर अगर हाई ना हो, हीटर शॉर्ट ना हो, इसके लिए आपका बना रखा है। और यहाँ पर इसमें एक फ्यूल पम्प, सॉरी वाटर पम्प दिया हुआ है जो आपका पीछे से कनेक्शन देना है, आपका पीछे से पाइप निकाल रखा है, इसको आपको यहाँ पे किसी भी टैंक में कनेक्ट कर देना है पानी के लिए। अभी तो मैं इसको टेम्परेली सेट कर देता हूँ, ऐसे ही टेम्परेली यूज़ करता हूँ जिससे आपको वीडियो बना के दिखा सकूँ। और यहाँ पे सामने आप आ सकते हो, आपको मैं अभी असेंबली टाइट करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको असेंबली लगानी है नॉर्मली अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे पीछे जो है ना दो पॉइंट है, नीचे तो आपका ब्लो डाउन का है और ये ऊपर आपका स्टीम का आउटपुट पॉइंट है। आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो, इस तरीके से आपको लगा देना है। ये सेफ्टी वॉल है, इसको कभी छेड़खानी नहीं करनी है, प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर रखा है जितने प्रेशर पे आपका काम करना है। यहाँ से आप स्टीम यूज कर सकते हो, स्टीम वॉल है इसमें, और बाकी वाटर में मॉइस्चर पानी वगैरह ओवर फ्लो आ रहा है तो इसको वॉल को चेक करना है आपको। जैसे कभी ओवर फ्लो हो जाता है, पानी ज़्यादा ले लेता है बॉलर, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से वॉल चेक कर सकते हो, ये एयर के लिए और ओवरफ्लो के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी मेन सप्लाई है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें तीन हैवी वायर डले हुए हैं, RYBU कोई से में भी आप यूज़ कर सकते हो तीनों फेसों को। और यहाँ पे आप न्यूट्रल का वायर है, ये आपको जो हल्का वायर है ये न्यूट्रल है, हमेशा ध्यान रखना ये तीनों फेस है, ये थ्री फेस में आपका सप्लाई इसको देना है। तो दोस्तों, अभी इसका साइड का हमने कवरिंग बंद कर दिया है, अभी हम इसको चालू करके दिखाएंगे। ये इसमें एक फ़ैन दे रखा है पैनल को कूलिंग करने के लिए, बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी में आपका ये बॉलर बना हुआ है, कभी भी छोटे मोटे काम जो फॉल्ट है वो भविष्य में ना आए, इसको नज़र रखते हुए सारा कुछ इसमें सेफ्टी पूरा दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों, ये प्रेशर गेज है, जितना भी प्रेशर आपको चाहिए हम आपके अकॉर्डिंग इसको सेट करके दे सकते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको प्रेशर घटाना है बढ़ाना है। अभी मैं रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर है, जितना स्टीम बढ़ेगी उतना टेम्परेचर आपका यहाँ से बढ़ेगा, जितना भी आपको टेम्परेचर स्टीम में चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ से पुश का बटन दबा के अप एंड डाउन कर सकते हो। दोस्तों, याद अच्छी तरह ध्यान रखना, कभी भी टेम्परेचर कम बढ़ते करना हो तो यहाँ से सेट का बटन दबाइए, और ये अप के लिए ये है और ये डाउन के लिए है, इससे आपका टेम्परेचर अभी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और यहाँ पर आपका मेन ऑन ऑफ है वो भी आपको दिखा दूंगा, यहाँ से मेन स्विच है आपका, ये इसमें लिखा भी हुआ है, ये हीटर वन और ये हीटर टू, यहाँ से मेन से सारा पंप वगैरह सब कंट्रोल होगा, यहाँ से एम्पियर और वोल्टेज सब कुछ दिखाएगा आपके लिए, तीनों फेसों का सप्लाई दिखाएगा, कोई से सप्लाई मिस हो रही है कि नहीं और कोई प्रॉपर आ रही है कि नहीं, और एम्पियर सब कुछ दिखाएगा। और ये हीटिंग पर्पज़ से आपका लगाया हुआ है, हीटिंग अगर ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में आपका ये बजर आपका सारेन बजेगा, और ये पंप आपका ऑन होता है उस टाइम पर आपका बत्ती येल्लो सॉरी ग्री ब्लू बत्ती आपकी जलेगी। येल्लो बत्ती के लिए आप समझिए, जब स्टीम आपका पूरा हो गया तो कट ऑफ स्टीम कर जाएगी, प्रेशर आपका बंद हो जाएगा आगे बढ़ना, तो ये बल येल्लो बत्ती उस कंडीशन में चलेगी। और दोस्तों, अभी मैं इसके बारे में और कुछ समझा देता हूँ आपको।
अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है समझाने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे और भी आपको हैवी बॉलर चाहिए वो भी बनाते हैं, 36 किलो वाट 27 किलो वाट 18 किलो वाट जितने भी स्टीम आपको। दोस्तों अभी हम इसको आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, यहाँ से आपको मेन ऑन कर देना है और ये आप हीटर भी आप डायरेक्ट ऑन करोगे। देखिए ये ब्लू बत्ती आपका जल गया तो समझो पंप ऑन है, ये पंप अभी पानी ले रहा है। और हीटर वन और हीटर टू ये भी आप ऑन कर देना है, क्योंकि ये जब तक पानी इसके अंदर नहीं होगा तब तक ये ऑन ही नहीं होगा। जब पानी अंदर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक हीटर ऑन हो जाएगा। अभी दोस्तों इसने पानी देना चालू कर दिया है, यहाँ से हमने टैंक से कनेक्ट कर रखा है। देखिए धीरे धीरे इसका प्रेशर डाउन हो रहा है, वाटर का जो फ्लो है वो डाउन हो रहा है टैंक का। अभी इसमें पानी से अंदर जा रहा है। ये देखिए दोस्तों ये फ़ैन भी इसका ऑन हो गया है, तो समझो हीटर ऑन है। जैसे ही फ़ैन ऑन हो गया तो समझो हीटर इसका चालू हो गया है। अभी इसका टेम्परेचर देखिए दोस्तों बढ़ना चालू हो गया है, ये देखिए। तो समझो सेंसर प्रोब इसमें होता है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। ये यहाँ से इसको सप्लाई मिलती है जहाँ से मैन ऑन ऑफ करते हैं फेस न्यूट्रल। ये पंप के लिए सप्लाई देता है, यहाँ से पंप के लिए आउट होकर इस कंडक्टर को इसको सप्लाई जाती है। और फिर हीटर की दो ही हीटर की है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ से ऑन ऑफ आप देखोगे दोनों हीटर कोई भी ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से मैन ऑन ऑफ, ये देखिए। और दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा पैनल को आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ मैं। अंदर में आपके रोटरी स्विच लगे हुए हैं, इसमें पैनल बजर है, एक फ़ैन है, फैन को कूलर पैनल को ठंडा करने के लिए इसमें फैन भी लगाए हुए हैं। टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए टेम्परेचर मीटर है, इसमें सप्लाई दी हुई है। बाकी अगर कोई सप्लाई आपको कनेक्शन समझ में नहीं आता है वो भी आप मेरे से। दोस्तों मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आपको कुछ दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो है ग्रैंड, ये बॉडी अर्थ जाता है, बॉडी में कहीं भी आपका अर्थिंग हो सकता है। ये वाटर टैंक है जो सेल में कहीं भी इसमें आपका अर्थिंग मिलेगा। और ये L1 जो पंप है, पंप का सेंसर जो आपका छोटा सेंसर होता है, स्मॉल सेंसर में आप समझिए ये सेंसर में आपका काम करेगा। और यहाँ पर जो हीटर का जो सेंसर है वो आपका बिग सेंसर है, वो पल्ली तरफ आपका जो सेंसर है वो बिग है। यहाँ पे इसमें दो सेंसर लगा रखे हैं, स्मॉल और बिग। ये स्मॉल आपका स्मॉल पंप का है और बिग हीटर को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी दोस्तों इसका हीटर मुझे लग रहा है, हाँ इसका स्टीम आपका पूरा हो गया है। 145 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें इसने अप्रॉक्स 50 PSI का प्रेशर हो चुका है। तो दोस्तों आपको मैं इसकी स्टीम यूज करके दिखाता हूँ कैसी इसमें स्टीम निकलती है। मॉइस्चर भी स्टीम चाहिए, मॉइस्चर भी आपको ले सकते हो इसमें। और आपको हाई डेकोरेशन ड्राई स्टीम चाहिए वो भी आप इसमें देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आप स्टीम यूज कर सकते हो जो अभी मैंने वाल खोल कर दिखाया। और ये यहाँ से चेक करने के लिए मॉइस्चर स्टीम में कितना आ रहा है कैसा है वो आप देख सकते हो, या ड्राई स्टीम आ रही है वो आप देख सकते हो। ओवरफ्लो वगैरह जैसे कि कभी टैंक का ओवरफ्लो हो जाता है, पानी अंदर ज़्यादा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से पानी आने का चेक कर सकते हो। क्योंकि इसको तो आप स्टीम में कनेक्शन दे दोगे तो आपके लिए एक वाल इसलिए एक्स्ट्रा दिया जाता है। देखिए दोस्तों अभी इसका स्टीम तो हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसको इसके बाद आपको मैं इसको बंद कर देते हैं। और कोई अगर जानकारी चाहिए तो दोस्तों आपको मैं कभी भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये आपका प्रेशर गेज के लिए आपका कॉपर पाइप के द्वारा जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों देखते हैं अब इसका 124 टेम्परेचर जा चुका है और प्रेशर भी आपका बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों 2 kg प्रेशर आपका जा चुका है, करीब 30 PSI पहुंच चुका है। ये धीरे धीरे स्टीम आपका दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कभी भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह मिल जाएगा, चेक करके आप मुझे बता सकते हो। तो मैं इसका आपको देखिए
वर्क आपका कंप्लीट हो जाए, जब आपको काम नहीं है तो उसके बाद में आप सारी लाइन को स्विच ऑफ करके पहले आपको सप्लाई को मेन को बंद करना है। मेन एमसीबी ऑफ ऑफ करोगे यहाँ से। अभी हमने टेम्परेली जो कनेक्शन दिया हुआ है, आप इसको किसी दीवार पे या किसी हैंगिंग कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ये मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पे इसको सारी स्विच ऑफ कर देते, उसके बाद इसको ब्लो डाउन कर देना है। जो इसमें छोटा मोटा रस्ट वगैरह जमा होता है या कोई मिट्टी नमक जम जाता है पानी के हार्डनेस के कारण, तो ये सब यहाँ से निकल जाता है। ये शाम के टाइम आपका ब्लो डाउन करना ज़रूरी होता है, इससे आपके बॉयलर की लाइफ सब कुछ आपका कचरा छोटा मोटा सब निकल जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसके बारे में और कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कभी भी कॉल करो दोस्तों।